खबर जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। एनसीजी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कलेक्टर ने ली। खबर पलेरा से मिल रही है, जहां समीक्षा बैठक को लेकर टीकमगढ़ कलेक्टर पहुंचे पलेरा, जहां जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहयोगिनी एवं सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, इसमें पलेरा एवं जतारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव में इस योजना के अंतर्गत हाइपरटेंशन, शुगर, कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बताया गया एवं गांव-गांव जाकर आशा कार्यकर्ता और एएनएम के द्वारा स्कैनिंग करके मरीजों की जांच की जाएगी और अगर उन्हें पॉजिटिव मिलती है तो जिला चिकित्सालय रेफर किया जाएगा एवं समस्त बीमारी के इलाज हेतु निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ जिला सीएमएचओ ओपी अनुरागी, जनपद सीईओ आरएस मीणा, पलेरा बीएमओ डॉक्टर राकेश कुमार, जतारा बीएमओ विजय शिखर जैन, जतारा से डॉक्टर छवि राम गुप्ता, महिला बाल विकास अधिकारी प्रदीप मिश्रा एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। प्रशासन की तरफ से पहचान करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो माना था उसी के लिए अभी ओरिएंटेशन कार्यक्रम था सभी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स का, एमपीडब्ल्यू एएनएम का, उनको घर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करना है। उसके बाद डॉक्टर उसमें सभी की जांच करेंगे, जो भी लोग ऐसे पाए जाएंगे जो हाइपरटेंशन के मरीज हों या डायबिटीज़ के मरीज़ हों या कैंसर के सस्पेक्ट, इन सभी की जांच करने के बाद आवश्यकता अनुसार डॉक्टर जो हैं उनको दवाएं उपलब्ध कराएंगे, अगर लगेगा तो उनको रेफ़र करेंगे जिला अस्पताल के लिए और जिला अस्पताल से भी अगर आवश्यकता होगी तो उनको मेडिकल कॉलेजेस के लिए रेफ़र किया जाएगा और समय पर उनका इलाज हो सके। ऐसी बीमारियों से भविष्य में जब गंभीर रूप ले लेती हैं तो फिर कठिनाई होती है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों की अपील है कि लोग गाँव में जब सर्वे के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएँ जाएंगी तो उनको पर्याप्त से। खबर समय जगत के लिए पुष्पेंद्र सिंह, पलेरा की रिपोर्ट।